70 से ज्यादा संगीन आपराधिक वारदातों में शामिल कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी गैंग के कुलदीप फर्जा को दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल से पुलिस कस्टडी से भगाने वाले गैंग का हिस्सा रहा। गैंगस्टर मोहित उर्फ अनुज कड़कड़डूमा कोर्ट से पुलिस की हिरासत से फरार हो चुका है। वो झज्जर हरियाणा का रहने वाला है। उसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सलोनी सिंह की कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन का सिपाही योगेश उसे तिहाड़ जेल से जेल नंबर 8 से लेकर आया था। बदमाश शुक्रवार दोपहर 1 बजे फरार हुआ, लेकिन सिपाही इसकी सूचना शाम 5 बजे देता है। फर्श बाजार थाने में मामला भी दर्ज किया जा रहा है। सीनियर पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले में फिलहाल कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्च 2021 में गैंगस्टर कुलदीप फज्जा को जीटीबी हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया था। हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचते ही पहले से घात लगाकर बैठा गैंगस्टर जितेंद्र गोगी अपने साथियों के साथ सिपाहियों पर टूट पड़ा। पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक कर बदमाशों ने कुलदीप फज्जा को पुलिस कस्टडी से छुड़ा लिया था। बदमाश फज्जा का हाथ पकड़कर पैदल ही हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकले और राहगीर की बाइक लूटकर फज्जा को लेकर फरार हो गए थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगने से मौत हुई थी और एक बदमाश जख्मी हुआ था। मृतक की पहचान रवि के रूप में हुई थी। पुलिस गैंगस्टर फज्जा को भगाने के मामले में 18 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। पुलिस सूत्रों ने यह बताया कि मोहित उर्फ अनुज ने 2 फरवरी 2022 को कोर्ट में सरेंडर किया था। फिलहाल वो तिहाड़ जेल के जेल नंबर 8 में बंद था। शुक्रवार को 3rd बटालियन का सिपाही योगेश बदमाश को कोर्ट में लेकर पेशी पर आ रहा था। शाम 5 बजे सिपाही योगेश ने बदमाश के कस्टडी से फरार होने की सूचना सीनियर पुलिस अधिकारियों को दी। कई सीनियर पुलिस अधिकारी तुरंत कड़कड़डूमा कोर्ट पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने जब कोर्ट परिसर में लगे एक एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को बारीकी से चेक किया तो मालूम चला कि सिपाही योगेश बदमाश के साथ बगैर उसका हाथ पकड़े गेट नंबर 3 के बाहर जा रहा है। ये घटना दोपहर 1 बजे की। सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद सिपाही की भूमिका संदिग्ध हो गई है। इस घटना के बाद 4 घंटे तक चुप रहने से भी पुलिस को उस पर शक हो रहा है। पुलिस अब सिपाही से पूछताछ कर रही। पूरे मामले की लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं। और दी गई जानकारी में कोई कमी लगती है तो कमेंट करके बताएं, और आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके जरूर बताएं।